कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान कई योजनाओं की बदौलत पूरे देश में नंबर वन पर है। यहां के मॉडल को देश भर में सराहना मिली है। आज जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों की पीड़ा जानते हुए ओपीएस लागू की है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग का कल्याण किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, जो लोग भी आज दुनिया में वेलफेयरिज्म को लेकर के बहस कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बहस कर रहे हैं, तो राजस्थान एक मॉडल के रूप में इमर्ज किया है। एक सीधा सा सवाल है कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार। सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में हमको सुरक्षा, सहायता, न्याय ये मुहैया कराती है। हम हर चीज़ में टैक्स सरकार को देते हैं, बदले में सरकार हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था करती है। ये लोकतंत्र का मॉडल है। अगर नेताओं को पेंशन मिलेगा तो सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन देना पड़ेगा। अगर मंत्री की सुरक्षा के लिए जो कांस्टेबल लगे हुए हैं, जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो मंत्री को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अगर मंत्री को रहने के लिए घर मिलेगा, अगर उनको फ्री बिजली मिलेगी, अगर उनको टेलीफोन का भत्ता मिलेगा, अगर उनको यात्रा की भत्ता मिलेगी, तो देश की आम जनता को भी मिलना चाहिए। और ये मॉडल लेकर के जो है राजस्थान की सरकार आई, और हम डंके की चोट पर अपना काम करके जनता से पुनः आशीष मांग रहे हैं कि उस काम को बढ़ा सके। ये सारी योजनाएं इतनी उत्कृष्ट योजनाएं हैं कि आज मजबूर होकर केंद्र सरकार को भी जब अलग अलग जगह घोषणा पत्र बनाना पड़ रहा है तो इन योजनाओं का जिक्र करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी योजना उनकी है। ये सच है, लोगों के अंदर एक ये डर है कि बीजेपी इन योजनाओं को बंद जरूर कर सकती है, वो खुल के सामने आ रहा है, और वो डर जो है वो लोगों के अंदर व्याप्त है। बिल्कुल करना चाहिए जातिगत जनगणना, अब नहीं तो कब, ये बात है। ऐसे तो देखिए, जो आपका सवाल है ना, ऐसे तो हर चीज को पूछा जा सकता है, अभी क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं हो गई। मुझे लगता है जब हो अच्छी बात है उसका स्वागत करना चाहिए।